तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप तुम लोग सब ठीक होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एम्पलीफायर के बारे में, एक बेसिक एम्पलीफायर के बारे में। आज हम समझाएंगे कि एम्पलीफायर कैसे काम करता है। कोई भी आप एम्पलीफायर देखते हैं, कहीं भी यूट्यूब पे हो, कहीं भी हो, एम्पलीफायर कैसे काम करता है, प्लस वो बनाएंगे कैसे, हम लोग आपको सीखेंगे कैसे एम्पलीफायर बनाना अपने से, ये बिना कहीं देखे कुछ भी किए हम लोग कैसे अपने से बनाने सकेंगे एम्पलीफायर, जिससे होगा क्या ना, आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। सेटिस्फेक्शन कैसे मिलेगा? जैसे आप खुद से कुछ भी चीज़ बनाते हो और किसी के सामने रिप्रेजेंट करते हो, अपने मेहनत से बना के उस चीज़ को किसी के सामने रिप्रेजेंट करते हो, तो उस टाइम जो आपको फीडबैक मिलता है या फिर रिप्लाई मिलता है अगले बंदे से, वो सुनकर आपको जो सेटिस्फेक्शन मिलता है ना, वो जो आप आनंद आपको मिलता है, वो अलग ही लेवल का होता है। पहला चीज़ हुआ। दूसरा चीज़ क्या होता है, आप कोई भी चीज़ समझ जाइएगा ना, चीज़ बेसिक चीज़ समझ जाइएगा ना, तो वो चीज़ आप नेक्स्ट लेवल में भी अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए अभी हम आपको सिखाते हैं एम्पलीफायर बनाना 10 वाट का, तो आप खुद से अगर आपको ज़्यादा वाट का बनाना पड़ता है, यही बेसिक प्रिंसिपल आप यूज करके, बेसिक तरीका आप यूज करके आप 100 वाट का, 1000 वाट का आप एम्पलीफायर बना सकते हैं। चाहे कोई भी ट्रांजिस्टर रहे, कोई भी मॉस्फेट रहे, हम आपको गारंटी देते हैं। ये वीडियो आप पूरा देखिए, ठीक है? शर्त है एक चीज़ कि आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, समझ रहे हैं? ये वीडियो आप पूरा समझ देखते हैं तो बिना स्किप किए तो आपको गारंटी देते हैं, क्योंकि स्किप कीजिएगा तो वो आधा नॉलेज हो जाता है, और आधा नॉलेज हमेशा शैतान का दिमाग होता है। तो आधा दिमाग हमेशा शैतान का दिमाग होता है। तो हम आपको बताना चाहेंगे इस, या आप पूरा देखते हैं तो आपको गारंटी देते हैं कि कोई भी मॉस्फेट रहे, कोई भी ट्रांजिस्टर रहे, आप आराम से आपका उसका एम्पलीफायर बना सकते हैं, बिना कहीं यहीं देख के अपने खुद से बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको एक डायग्राम के हेल्प से आपको हम समझाना चाहेंगे कि कैसे एक एम्पलीफायर काम करता है, और क्या जो भी कंपोनेंट यूज करते हैं हम लोग, वो सब क्या काम करता है उस एम्पलीफायर सर्किट में, ठीक है? तो सबसे पहले ये हम डायग्राम आप देख सकते हैं, आपके सामने हम रखें ये डायग्राम, ठीक है? तो सबसे पहले इसका मेन कॉम्पोनेंट जो आता है एम्पलीफायर का, वो चीज़ आपको खुद ही पता होगा क्या हो सकता है। इमेजिन कीजिए, सबसे मेन कॉम्पोनेंट होता है एम्पलीफायर का, वो होता है ट्रांजिस्टर। ये देखिए, हम आपको ट्रांजिस्टर लाए हैं BC547 का, जो मेरे पास है उसी से हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है, कि एम्पलीफायर कैसे काम करता है ट्रांजिस्टर के हेल्प से, ठीक है? तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं ट्रांजिस्टर बहुत टाइप के होते हैं। पहला ट्रांजिस्टर होता है NPN, फिर होता है PNP, उसके बाद होता है MOSFET, ठीक है? तो कोई भी ट्रांजिस्टर रहे, दो ही बेसिक रीजन में काम करते हैं। सबसे पहला बेसिक रीजन है डिप्लिक्शन रीजन, उसके बाद आता है एक्टिव रीजन। आप कंफ्यूज मत होइए, हम आपको समझाते हैं डिप्लिक्शन रीजन और एक्टिव रीजन होता क्या है। डिप्लिक्शन रीजन एक रीजन होता है जिसको आप अटैम्प करके, ट्रांजिस्टर में अटैम्प करके आप उसको एक स्विच की तरह यूज कर सकते हैं, और एक्टिव रीजन में आप अगर लाते हैं ट्रांजिस्टर को, तो आप उसको एज ए एम्पलीफायर यूज कर सकते हैं। तो हम लोग डिप्लिकेशन रीजन को साइड में रखते हैं, क्योंकि हम लोग को जरूरत है अभी एक्टिव रीजन का, एम्पलीफायर का बात कर रहे हैं, तो हम लोग इसको एक्टिव रीजन में लाने की कोशिश करेंगे। तो एक्टिव रीजन में लाने के लिए हम लोग सबसे पहले करेंगे बाइजिंग। अब बाइजिंग होता क्या है? बाइजिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग एक रेजिस्टेंस के हेल्प से उसको DC पावर सप्लाई देते हैं ट्रांजिस्टर को, ताकि वो एक्टिव रीजन में आए और एम्पलीफायर का काम करे। तो सबसे पहले हम लोग लाते हैं एक ट्रांजिस्टर, चलिए देते हैं, जो कहाँ लगता है, कलेक्टर और बेस के बीच में रखता है। तो हम लोग, ये रहा इसका फर्स्ट पिन है, ये BC547 का आप इंटरनेट में आप देख सकते हैं पिन आउट, चाहे हम आपको शो कर रहे होंगे। सबसे पहला जो पिन आता है वो होता है कलेक्टर, उसके बाद फिर बेस, उसके बाद फिर एमिटर। तो हम लोग कलेक्टर और बेस के बीच में हम लोग बाइजिंग करेंगे 1K रेजिस्टेंस यूज करके। तो ये हम लोग कर दिए हैं। उसके बाद अब ये, इसको कमांड मिल गया है कि ये एक एम्पलीफायर का आप काम करें, ये जो ट्रांजिस्टर है ये एक एम्पलीफिकेशन का काम करेगा, ठीक है? उसके बाद जो आता है हम लोग का सेकंड चीज आता है, ये एक शर्त होता है किसका, ट्रांजिस्टर का। ये सिर्फ AC सिग्नल, AC ऑडियो फ्रिक्वेंसी को ही एम्पलीफाई करता है। तो इसकी जो आप इसमें कन्फ्यूज होइए कि AC ऑडियो फ्रिक्वेंसी होता क्या है, जो आपका मोबाइल्स के जैक से जो निकलता है, आपका जो मोबाइल्स के यहाँ से आपका जो निकलता है, यही है AC सिग्नल का AC ऑडियो फ्रिक्वेंसी होता है, ठीक है? आपका जो गाना होता है वही फ्रिक्वेंसी होता है, ठीक है? तो उसको, उसमें क्या होता है ना, अब इसको हम डायरेक्ट उसको यहाँ कनेक्ट कर दें बेस पिन में, इंटरनेट जहाँ पर इनपुट होता है, तो वो क्या होगा ना, ये AC सिग्नल को ही एम्पलीफाई करता है। तो उसमें आपको पता होगा कि जो मोबाइल हम लोग यूज़ करते हैं उसमें बैटरी लगा हुआ होता है। अब बैटरी मतलब क्या, डीसी करंट इसमें उस सिग्नल के साथ, उस गाना के साथ, उस फ्रिक्वेंसी के साथ मिक्स किया हुआ होता है। तो उसको फिल्टर करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कैपेसिटर का। कैपेसिटर क्या करता है, कैपेसिटर एक फिल्टर का काम करता है, जो प्योर AC ऑडियो फ्रिक्वेंसी में कन्वर्ट कर देता है आपका जो यहाँ से जो ऑक्स केबल से जो निकलता है ऑडियो फ्रिक्वेंसी, उसको प्योर AC ऑडियो फ्रिक्वेंसी में कन्वर्ट कर देता है। इसीलिए हम लोग एक कैपेसिटर का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कैपेसिटर का यूज किए हैं। उसके बाद अब रेडी है आपका एक बेसिक एम्पलीफायर
गाना बजाने के लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कनेक्शन आप देख सकते हैं, सबसे पहले क्या कि यहाँ पर, यहाँ पर आप आउटपुट कहाँ से लीजिएगा, कोई भी ट्रांजिस्टर हो, हम आपको बता दे रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, कोई भी ट्रांजिस्टर हो उसका आउटपुट हमेशा कलेक्टर पिन से ही मिलता है। तो यहाँ कलेक्टर पिन से हम लोग आउटपुट लिए, स्पीकर में गया, जो पॉजिटिव टर्मिनल है स्पीकर का, ये जो कलेक्टर पिन से जो निकलेगा, ये जो ग्रीन कलर का यहाँ पर हम लकीर लगाए हैं, वो कलेक्टर पिन से निकल के ये स्पीकर का पॉजिटिव टर्मिनल गया है, और जो उसको सीरीज में कनेक्ट दीजिए बैटरी से। अब देखिए यहां जो पॉजिटिव गया, अभी निकला क्या है, बचा क्या, नेगेटिव, नेगेटिव को बैटरी का पॉजिटिव से कनेक्ट कर दीजिए, कनेक्ट कर दीजिए, उसके बाद बैटरी का जो नेगेटिव निकलेगा उसको आपको एमिटर, यहां पर जो भी ट्रांजिस्टर आप यूज कर रहे हैं, जो कोई भी अगर ट्रांजिस्टर हो, छोटा हो बड़ा हो, जो भी ट्रांजिस्टर हो, उसका एमिटर पिन से आपको कनेक्ट कर देना है, ताकि वो ग्राउंडिंग के अंदर सर्किट कंप्लीट हो जाए। उसके बाद ऑक्स का पिन भी, ऑक्स जो आप यूज किए हैं, जो आप गाना जिससे आप बजाएंगे उसको भी, उसका जो ग्राउंड है उसको भी आप सर्किट कंप्लीट करने के लिए एमिटर में कनेक्ट कर दीजिए। ये आपका तैयार हो गया आपका बेसिक एम्पलीफायर। चलिए इसको अब हम लोग प्रैक्टिकली करके देखते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं ना, अब आपको ये भी एक सेम ट्रांजिस्टर है वैसे ही टाइप का, तो इसमें हम आपको एक एम्पलीफायर बना के दिखाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या काम है, इससे आपको भी, अगर आप एम्पलीफायर बनाना चाहते हैं, कोई भी अगर सोच रहे हैं एम्पलीफायर बनाने का, तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है, जो भी आप ट्रांजिस्टर यूज़ कीजिएगा उसका उसका पिन आउट आपको देखना पड़ेगा इंटरनेट से, उसका मॉडल नंबर सर्च कीजिए, उसका पिन, उसके बाद स्लैश करके पिन आउट दे दीजिएगा, आपको उसका कौन सा कलेक्टर है, कौन सा एमिटर है, कौन सा बेस है आपको मिल जाएगा। तो ये जो है, ये है आपका 2SC5200 ट्रांजिस्टर, ठीक है, तोशिबा का। तो इसमें क्या होता है ना, फर्स्ट पिन जो होता है ये बेस है, उसके बाद ये कलेक्टर है, उसके बाद ये एमिटर है, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो उसमें क्या था, इसमें जो BC547 का ट्रांजिस्टर हम लोग यूज़ किए थे, इसमें क्या था, फर्स्ट में कलेक्टर था, फिर बेस था, फिर एमिटर था, लेकिन इसमें क्या है ना, इसमें फर्स्ट में बेस है, उसके बाद कलेक्टर, फिर एमिटर है। तो चलिए इसको ध्यान देते हैं, और इसी हिसाब से हम लोग एक बड़ा ट्रांजिस्टर, एक बड़ा एम्पलीफायर बनाते हैं। आप छोटा खुद से बना लीजिएगा, ठीक है, ट्राई करने के लिए, है ना। लेकिन और एक चीज़ बताना चाहते हैं हम, बीच इसी इसको बनाते बनाते हम और एक चीज़ आपको बताना चाहेंगे, जब भी आप ट्रांजिस्टर बनाइए, एम्पलीफायर बनाइएगा, तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, गलत कनेक्शन कभी मत कीजिएगा, क्योंकि अगर गलत कनेक्शन करते हैं तो इस ऑक्स से आपका कम से कम जो बैटरी आप यूज़ कीजिएगा इस ट्रांजिस्टर में, वो डायरेक्टली अगर आपका मोबाइल से कनेक्ट हो गया, तो आपका पूरा का पूरा मोबाइल का ऑडियो सिस्टम बर्बाद हो जाएगा, आपका मोबाइल का IC उड़ जाएगा, इसीलिए बच के, ठीक है। इसीलिए गलत कनेक्शन बिल्कुल मत कीजिएगा, जैसे हम बताते हैं वैसे देखिएगा। सबसे पहला काम है आपको जो भी ट्रांजिस्टर या फिर MOSFET यूज करें उसका पिन आउट देखने का, उसके बाद बाइजिंग, हम आपको सिखाए हैं बाइजिंग करने का। बाइजिंग करने के लिए हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं एक 1K का रेजिस्टेंस, 1K का रेजिस्टेंस का हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो इसको चलिए, और हम लोग कहाँ कहाँ इसको देना है बाइजिंग करने के लिए, कलेक्टर और बेस पिन में देना है। तो कलेक्टर इसका ये रहा और बेस इसका ये रहा, कलेक्टर ये रहा, तो चलिए इसके बीच में हम लोग इसको इजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ब्रेडबोर्ड के बारे में नहीं पता, तो हमको बता दे रहे हैं इसका कनेक्शन कैसे होता है। मान लीजिए यहाँ पर हम 3 पिन इसको इजेक्ट किए, तो ये पूरा का पूरा हो गया इसका, ये कॉमन हो गया, ये भी इसका, ये बीच वाला जो टर्मिनल है ये भी इससे पूरा कॉमन हो गया, ये जो भी इसका साइड वाला, जो सबसे साइड वाला टर्मिनल है, पूरा का पूरा ये सब पूरा कनेक्ट हो गया, ठीक है। मतलब बेस, कलेक्टर और एमिटर है ना, तो ये सब भी, ये भी पूरा पूरी हो जाएगा, बेस, ये कलेक्टर और ये एमिटर हो जाएगा पूरा पूरी, ठीक है। ऐसे कनेक्शन होता है ब्रेडबोर्ड में। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए, सबसे पहले हम लोग पिन आउट चेक किया ट्रांजिस्टर का, उसके बाद बाइजिंग किया रेजिस्टेंस के थ्रू से, थ्रू क्योंकि ताकि वो एक एक्टिव रीजन में आ जाए, एक्टिव रीजन में वर्क करे, ठीक है। उसके बाद हम लोग देंगे इसको एक DC फिल्टर के लिए, इसको हम लोग देंगे यहाँ पर एक कैपेसिटर, जो कहाँ देंगे, बेस में, क्योंकि बेस से ही इनपुट होता है, ठीक है, बेस में दे दिए, ठीक है। और पॉजिटिव साइड उसका बेस में रहेगा और नेगेटिव साइड बाहर तरफ रहेगा। उसके बाद अब आता है बारी, मतलब AC ऑडियो फ्रीक्वेंसी को हम लोग को देना पड़ेगा। ये इसमें जो फ्रीक्वेंसी निकलता है, इसके लिए हम लोग ऑक्स का यूज करेंगे। ये जो ऑक्स में जो निकलता है वो DC भी रहता है और हल्का हल्का, ज़्यादातर AC रहता है, लेकिन हल्का कुछ अमाउंट में DC भी रहता है, क्योंकि वो मोबाइल से बचता है, मोबाइल में बैटरी यूज किया जाता है, जो DC पावर सप्लाई है, तो इसीलिए उसको फिल्टर करने के लिए हम लोग इसका कैपेसिटर का यूज किए हैं। उसके बाद तो चलिए इसको देते हैं, इसका पॉजिटिव टर्मिनल को इसका नेगेटिव टर्मिनल में देते हैं, उसका जो ग्राउंड है इसको हम लोग एमिटर में देते हैं, एमिटर में दिए, एमिटर में इसका जो ग्राउंड है इसको एमिटर में दिए। उसके बाद अब बारी है स्पीकर कनेक्शन की, ठीक है, स्पीकर कनेक्शन की बारी है। सब अभी हो गया, बाइजिंग हो गया, फिल्टर हो गया, डीसी फिल्टर भी हो गया, अब बारी है स्पीकर कनेक्शन की, ठीक है। तो स्पीकर इस, हम आपको क्या बताएं, ट्रांजिस्टर कोई भी ट्रांजिस्टर हो उसका आउटपुट हम लोग कहाँ से मिलेगा, कलेक्टर पिन में। तो इसका कलेक्टर पिन कहाँ है, इसका कलेक्टर पिन है सबसे बीच में है, इसका कलेक्टर पिन, तो चलिए बीच में हम लोग यहाँ पर देते हैं
पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ से निकला। अब इसका जो नेगेटिव टर्मिनल है इस ट्रांजिस्टर स्पीकर का, ये हम लोग यहाँ पर इसको अलग रख देते हैं, इसको अलग रख देते हैं ताकि ये डायरेक्टली सीरीज हो सके बैटरी के साथ। चलिए ये है नेगेटिव, तो नेगेटिव को यहाँ पर हम लोग पॉजिटिव दिए, का स्पीकर का नेगेटिव को हम लोग पॉजिटिव दिए, उसके बाद पॉजिटिव दिए, उसके बाद ये जो बचा नेगेटिव इसको हम लोग दे दिए हैं सर्किट कंप्लीट करने के लिए, एमिटर में हम लोग दे देंगे। ये देखिए आपको आवाज़ साउंड अच्छा से हल्का सा आ गया होगा, तो चलिए इसको हम लोग बजाते हैं और टेस्ट करते हैं, ठीक है। चलिए अब उसको इस ऑक्स केबल को हम लोग इस मोबाइल से कनेक्ट कर देते हैं, ये कनेक्ट कर दिए और एक NCS गाना बजा रहा ताकि कॉपीराइट का कोई इशू ना रहे। चलिए अब इसको प्ले करते हैं। साउंड बढ़ाते हैं हल्का सा, अब सुन सकते हैं ये काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है, ठीक है। माइक्रोफोन हमारा ले जाते हैं उसके सामने, देख सकते हैं। काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है, देखिए हम लोग का एम्पलीफायर अभी बनकर रेडी हो गया है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे एक एम्पलीफायर अपने से आप बना सकते हो, ठीक है। लेकिन फिर से आपको बोलते हैं, जैसा हम आपको कनेक्शन सिखाए हैं, अगर नहीं समझ में आया आपको फिर से एक बार देखिए, पर गलत कनेक्शन बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि अगर गलत कनेक्शन करते हैं और अचानक कोई भी गलत कनेक्शन करने की वजह से ये जो आपका बैटरी का टर्मिनल है ये डायरेक्टली आपका वॉक्स केबल में कनेक्ट हो गया, तो आपका ये जो मोबाइल का ऑडियो सिस्टम है ये बर्बाद हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, फिर नुकसान हो जाएगा, 500,000 रुपये का नुकसान हो जाएगा। तो ये चीज़ आप केयर कर लीजिएगा, ठीक है। और समझ में आ गया है तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो एक बार फिर से आपको बताते हैं, गलत कनेक्शन बिल्कुल मत कीजिएगा। तो मिलते हैं एक और नए शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।